हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसके बदले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ड्रामे के लास्ट पार्ट पे नजर डालते हैं। संतो, या में थे उतरी तुमो। संतो सेत्स में सुरु करा। मसातो हैना को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है, पर हैना मसातो की पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुई है। वो उसे लाइक करने लगी है। तोशी उसे बताता है कि कल ये बंदर फ्रांस जा रहा है, इसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, पर पता नहीं क्यों तुम उसे अच्छी लगी। तोशी हैना को सच बताने ही वाला होता है कि तभी हैना वहाँ से भागती है। वो मसातो को पीछे से हग करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं पाई, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। हैना को तभी पता चलता है कि ये तो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। ये बात जान के वो शॉक्ड होती है क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। मसातो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने हैना से ये बात छुपाई। फिर भी हैना उसका हाथ पकड़ के कहती है कि ये तो खुशी की बात है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। ये सुन के F5 बॉयज हैरान ज़दा होते हैं। हैना उनसे कहती है कि मुझे बिल आखिर एक फीमेल फ्रेंड मिल ही गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मसातो कहता है कि शायद इसी वजह से सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम हो ही ऐसी। मैं कल फ्रांस जा रही हूँ पर मैं वादा करती हूँ कि मैं लौट के ज़रूर आऊँगी। ये सुन के हैना खुश होती है। नेक्स्ट डे मसातो फ्रांस चली जाती है। उसके जाने के बावजूद हैना खुश लग रही है। तोशी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो चला गया तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं। स्कूल के सब स्टूडेंट्स ट्रिप पे जाने वाले हैं। तोशी हैना को अपने ग्रुप में रखता है। वो उसे कहती है कि तुमने क्यों मेरी इजाजत के बगैर ये सब किया। वो कहता है कि प्रिंसेस तुम्हारे ढेर सारे दुश्मन हैं, दूसरे ग्रुप में जाना खतरनाक हो सकता था, तुम हमारे साथ सेफ रहोगी। ये सुन के हैना उसे कहती है कि डेंजरस तो तुम लोग हो, मुझे तो यही लगता है। तकू ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है, उसने जगह भी डिसाइड कर दी है। हैना ये सुन के खुश होती है क्योंकि उसे तकू पे भरोसा है। नेक्स्ट डे सब जाते हैं। हैना ट्रिप को बहुत इंजॉय कर रही है। लेकिन जब वो होटल आते हैं तो वहाँ पे एक ही रूम अवेलेबल होता है। हैना नहीं चाहती कि वो इन पांचों बॉयज के साथ रहे, वो साफ मना कर देती है। लेकिन जब तकू उसे रूम दिखाता है तो वो अपना डिसीजन चेंज कर देती है। तोशी कहता है कि ये कैसी लड़की है, कुछ देर पहले तो ये कुछ और बोल रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सब ट्रिप को खूब इंजॉय करते हैं। एक रात तोशी और तकू कुछ अननोन बॉयज को बात करते हुए सुन लेते हैं जो हैना को किडनैप करना चाहते हैं। ये पता लगते ही तोशी और उसके फ्रेंड्स उन्हें खूब मारते हैं। वो सबसे कहता है कि खबरदार जो आईना तुम लोगों ने हैना की तरफ देखा। उसके बाद जब हैना एक जगह बैठी होती है तो तभी तोशी वहीं आता है। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है पर हैना उसे कोई जवाब नहीं देती। वो शर्मा के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हैना सोचती है कि भले इस स्कूल में मेरी कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद को अकेला नहीं समझती क्योंकि मेरे दूसरे फ्रेंड्स अच्छे हैं। जब हैना रात को घर की तरफ जा रही होती है तो हम देखते हैं कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। वो पर्सन अचानक से उसके सामने आ जाता है। देखना होगा आखिर ये कौन है। नेक्स्ट डे F5 बॉयज खासकर तकू ये बात नोट करता है कि हैना पहले की तरह खुश नहीं लग रही, जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। उसने आज पूरा दिन हमसे बात नहीं की, वो हम सबको अवॉइड कर रही है। कोजीरो सबसे कहता है कि मैंने हैना को एक अनजान बॉय के साथ देखा है। जुन कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बॉय हैना का बॉयफ्रेंड है। तोशी अब तुम्हारा क्या होगा। तकू सबसे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है। प्लान के मुताबिक F5 बॉयज हैना को स्पाई करने लगते हैं। वो उसे फॉलो करते हैं। हैना किसी का वेट कर रही होती है।
कुछ देर बाद वो बॉय भी वहीं आता है। वो हैना से मिलता है। कुछ ही फासले पे F5 बॉयज मौजूद हैं। वो ये सब देख रहे हैं। नाउ तोशी से कहता है कि ओ माय गॉश, ये बॉय तो हमसे ज्यादा हैंडसम है, हैना की पसंद अच्छी है। जब तोशी ये बात सुनता है तो आग बगोला होता है। वो वहां से भागते हुए हैना के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तकू हैना से कहता है कि प्रिंसेस, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम सेफ हो या नहीं। बॉय यूकी उन्हें कहता है कि तुम सबसे मिलके खुशी हुई, हैना मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुन के F5 बॉयज शॉक्ड होते हैं। योकी हैना से कहता है कि चलो, हमें देर हो रही है। जब दोनों जा रहे होते हैं कि तभी तोशी उसे कहता है कि रुक जा नमूने। वो हैना के पास आके उससे पूछता है कि तुम ही बताओ कि सच क्या है, क्या ये नमूना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के यूकी उसे कहता है कि हाँ ये सच है, तुम्हें कोई मसला है क्या। तोशी ये बात सुन के गुस्से में आता है। वो यूकी से फाइट करने लगता है। हैना दोनों को रोकती है और कहती है कि तुम दोनों लड़ो मत, मैं सब कुछ बताती हूँ। हैना सबको सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुम सबसे ये बात सीक्रेट रखना चाहती थी, दरअसल बात ये है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तोशी कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन है। हैना हंसते हुए कहती है कि ये तो मेरा बड़ा भाई है। उसकी ये बात सुन के F5 बॉयज हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हम खामखाई टेंशन ले रहे थे, सब ठीक है। हैना बताती है कि मैंने तुम लोगों के कल्चरल फेस्टिवल के पैसे लॉस कर दिए थे लॉटरी में, इसी वजह से मैं ये जॉब कर रही हूँ। तोशी उसे कहता है कि स्कूल वालों ने चीटिंग की है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम वो पैसे उनसे वापस लेंगे। नेक्स्ट डे तोशी वो पैसे डायरेक्टर के ऑफिस से वापस ले आता है। हैना को अब एहसास हो रहा है कि तोशी एक अच्छा लड़का है, इसने मेरी हेल्प की है। स्कूल फेस्टिवल की रात हैना तोशी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है कि क्या तुम लव कन्फेस करना चाहती हो। वो कहती है कि नहीं तो मुझे कुछ और कहना है। एक्चुअली बात ये है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। तोशी उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझसे प्यार मत करो। ये सुन के हैना कहती है फिर तुम क्यों मेरे करीब आए। तोशी उसे कोई जवाब नहीं देता। हैना दुखी होके वहां से चली जाती है। जब तकू ये सब देखता है तो वो आके तोशी पे गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम तो उससे प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ, तुमने प्रिंसेस का दिल तोड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि तोशी और हैना काफी दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। फाइनल एग्जाम्स के बाद तोशी हैना से कहता है कि फाइनली मैं जान चुका हूँ कि तुम दूसरों से डिफरेंट हो, तुम मेरे दिल के करीब हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हैना ये सुन के खुश होती है। फाइनली तोशी को रियलाइज हो गया है कि वो हैना से प्यार करता है। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe for more videos.